तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका अपना राजू भाई, और आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गाड़ी आई है। ये आई है GS, और ये आए हैं कहाँ से वो भैया खुद बताएंगे। जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं पर नहीं पहुँच पाते, लेकिन ये वहाँ से यहाँ आए हैं तो बताएंगे भैया। तो हेलो भैया, तो भैया कहाँ से आए हैं आप ये बताइए। अजमेर राजस्थान। अजमेर शरीफ, समझ रहे हो? कितने देर का रास्ता अजमेर शरीफ आपके घर से? 8 घंटे का। आपके घर से अजमेर शरीफ 10 मिनट, मतलब अजमेर शरीफ जो दरगाह है वो इनके घर से मात्र 10 मिनट का रास्ता है, और वो यहाँ पर आए हैं हमारा स्पेशली हमारी वीडियोस देखकर काम कराने के लिए। तो ऑल अबाउट भैया, गाड़ी आपने कब ली है और कैसे क्या प्लान था हमारे? करीब 4-5 दिन पहले लिए, व्लॉग देखता था सारे, तो उसी के थ्रू आया। तो देखो इतना प्यार आप लोग दे रहे हो ना, मैं इतना प्यार हमें दे रहे हो, तो सच बताऊँ थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू यू कि आप लोग इतनी दूर से हमारे पास इतनी ट्रस्ट करके आते हो, और आपके ट्रस्ट पर हम खरे उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि जो बंदा आता है ना दूर से, वो ट्रस्ट इसलिए करता है कि पैसे भी ठीक लगे और काम भी उसका जेन्युइन, जो कि मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ राजू भाई की शॉप पर, और आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये मैं हर बार बताता हूँ कि यहाँ पर मार्केट के अंदर के लोगों ने धंधा बना रखा है कि बस वीडियो देख के बुला लो, उसका काटो धर के। अपना वो काम नहीं है, अपना होता है जेन्युइन वाला काम। जो भी होगा फेयर होगा, आप चाहो तो 10 जगह वो रेट ट्राई कर लो, हमें कोई फर्क नहीं, चाहे रेट ट्राई करके हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया आए हैं, और एक बार लोकेशन दिखाया, तो सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 9, सुबह के बज रहे हैं 9। भैया रात को 2 बजे चले थे और यहाँ पर 8 बजे सुबह आ गए थे। 8 बजे आ गए थे, 8 बजे आ गए, 8 बजते ही। हालांकि रात को भैया ने जब मुझे कॉल करा था तो भैया कह रहे थे मैं 8 से 9 के बीच में पहुँच जाऊँगा। हमें लगा 8 से 9 के बीच में तो यार चलो हो सकता है 9 के 8:30 तक पहुँच जाएंगे, बट भैया यहाँ एग्जैक्ट 8 बजे आ गए थे। और मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गया हुआ था, रात को 12:30 बज गए थे। हमें शॉप बढ़ाते बढ़ाते आप लोगों के प्यार की वजह से हम रात में बिजी होते हैं, और सुबह सुबह आप लोग आते हो तो हम आपके लिए भी उपस्थित होते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग। और एक बार लोकेशन देख लो, फिलहाल सारा मार्केट बंद पड़ा है, लोकेशन देख लो। सबसे मेन है ना वो हनुमान जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी, ये देखो वो जो हनुमान जी की मूर्ति है ना आपको, सबसे मेन है वो। ये हमारी शॉप के जस्ट अपोजिट है, आपको आना कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ आना है आपको हनुमान जी की मूर्ति पर, हटा दे, और उसके बाद आपको आना है इस उस हनुमान जी की मूर्ति के बाद। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी एक हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी, जो कि मिलेगी आपको अपने राजू भाई की शॉप पर। तो ये आपके अपने राजू भाई की शॉप, जब भी आप आओ लोकेशन देख लो क्या है, लोकेशन ये है। और कोई सी बाइक हो, कोई सी भी स्कूटी हो, सीधा आपका वन स्टॉप शॉप है। एक काम हो चाहे हज़ार काम हो, सारे काम होते हैं आपके राजू भाई की शॉप पर। तो आप करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो ले जाते हैं अंदर। अभी तो बाहर है कि खड़ी हुई है, क्योंकि सुबह का टाइम में सिर्फ शटर उठाया हमने भी। अंदर करने के बाद इसमें दिखाते हैं क्या क्या इसके अंदर लगने वाला। ये होने वाली है फुल लोड, मतलब मोस्ट लोडेड होने वाली है ये बाइक। जब मैं इसमें करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है। जैसे कि देखा था आपको, मैंने दिखाया था कि इसके अंदर आने के बाद इसमें क्या क्या स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले देखने को मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं ये लगा दिया इसके अंदर फॉग प्रोटेक्शन, अभी फॉक्स लाइट लग रहा है इसके अंदर, रेडियर गार्ड लग चुका है। और इसके बाद इसके अंदर और भी बहुत सारी एक्सेसरीज हैं, आप देख सकते हैं, हैंड गार्ड हो गया, हजार्ड हो गया, फॉग लैंप हो गई, एक्सटेंडर हो गया, और आपका हो गया सम गार्ड, और क्रैश गार्ड भी इसमें लगना है। और भी मॉडिफिकेशन इसके अंदर अभी धीरे धीरे चल रही है, देख सकते हैं आप, अंडर प्रोसेसिंग है। जैसे जैसे इसका काम कम्प्लीट होता रहेगा, ऐसे ऐसे मैं आपके सामने वीडियोज लाता रहूँगा, काम दिखाता रहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ये गाड़ी आई थी कहाँ से पता है आपको, बताऊंगा नहीं दोबारा। और दोबारा आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन मैंने छोटी छोटी दिखाई थी कि क्या क्या इसके अंदर चल रहा था, क्या क्या लगना था। अब ये हो चुका है पूरी लोड, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ऑलमोस्ट क्या क्या हो चुका है। तो सबसे पहले ये वाइज़र देखने मिलेगा आपको, जो कि पहले भी देखा था, वाइज़र पहले लगा दिया था इन्होंने, कल ही लग चुका था ये, और आज जो लगाया हमने वो आपको देखने मिलेगा। इसके अंदर मोबाइल होल्डर जो कि मिलता है आपको वायरलेस वाला, ये है वाटरप्रूफ ओनली मोबाइल होल्डर, तो ये वायरलेस वाला सिमटेक ओरिजिनल मोबाइल होल्डर है, साथ में भी लगा दिया सर। ये देख सकते हैं ये इसका GPS माउंट जो कि मिलता है आपको प्रॉपर फिटमेंट के साथ, साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर शॉक प्रोटेक्शन, जिससे आपका शॉकर और आपका मडगार्ड और साथ में आपकी डिस्प्लेट ABS प्लेट सब कुछ होता है पूरी तरीके से, ये होता है फुल्ली सेफ्टी वाले बेचे इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और जैसे कि ब्लैक ब्यूटी है ना, तो उसके अंदर ब्लैक ही काफ़ी डिसेंट लग रहा है सब कुछ, ब्लैक ही हो गया, ब्लैक ही आपका ये हो गया, ब्लैक ही, और ब्लैक ही इसमें क्रैश गार्ड, ब्लैक ही फॉग लैंप, ब्लैक ही हैंड गार्ड,
ब्लैक ब्यूटी को ब्लैक ब्यूटी बना दे पूरी तरीके से। तो ये आपने देख लिया, अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसका रेडिएटर गार्ड जो देखने मिलेगा आपको स्टेनलेस स्टील। ये ब्लैक हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर इसे ब्लैक लगा तो होता आपका MS का, और MS का लगाने से क्या होता है जंग वगैरह अंदर लग जाता है, रेडिएटर होता है ख़राब, तो रेडिएटर ख़राब ना हो इसलिए ये लगाया इसके अंदर रेडिएटर गार्ड। पूरा सेफ्टी फीचर जो कि आप देख सकते हैं इंस्टॉल कर दिया गया है स्टेनलेस स्टील वाला। और साथ में आपको मिलता है इसके अंदर GS 310 ब्रांडिंग के साथ, ये है इसका सम गार्ड जो कि ये भी होता है पूरा मेटल का, और इससे आपका जो ऑयल फिल्टर होता है ना ये पूरा बच जाता है। नहीं तो अगर ये नहीं लगा होगा तो जैसे कि भैया 500 किलोमीटर दूर से 400-500 किलोमीटर चल कर आए हैं, चला कर लाए हैं, कुछ भी इस पर लग के टूट सकता था, अब ये हो गया पूरी तरह सेफ, कहीं भी जाओ किसी भी राइड पर ईजी सेफ, आपका रेडिएटर भी सेफ हो गया, आपका हो गया नीचे ऑयल कूलेंट भी, ये भी इसका हो गया पूरा सेफ। और आपको इसके बाद दिखाऊंगा इसके अंदर हैंड गार्ड जो कि देखने को मिलते हैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग के साथ, देख सकते हैं ये इसके हैंड गार्ड जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं इसके अंदर। इससे आपका लीवर और आपके हैंड ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, और ये होती है आपकी मेटल रॉड, ये होता है आपका ABS प्लास्टिक, टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता, दोनों तरफ मिलेगा, देखो लुक देखो क्या जबरदस्त आ रही है इसकी। और साथ में आपको मिलता है इसके अंदर लीवर जो कि आप देख सकते हैं लीवर, ये है आपके GS के ओरिजिनल लीवर जो कि इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, एडजस्टिंग वाले प्लस फोल्डिंग भी है, देखिए फोल्डिंग भी है, एडजस्टिंग प्लस फोल्डिंग दोनों है इसके अंदर। और ये जरूरी नहीं सिर्फ GS में लग सकते हैं, ये आपके BMW के किसी भी मॉडल, किसी मॉडल मतलब ज़्यादा पर मत जाना, नीचे आ जाओ 310 से किसी भी मॉडल के अंदर ये आपका इजीली लग सकते हैं। मुझे पता आप लोग हाजिर हो, कितना मजाक करता हूँ, क्या करूँ, अच्छा लगता है मुझे करना। तो ये इसके अंदर लगा दे, कलर इसके अंदर आप जो मर्जी आप मुझसे ले सकते हो, सारे कलर मेरे पास अवेलेबल है, कोई सा भी कलर ले लो आप। साथ में आपको मिलता है देखने को इसके अंदर, देख सकते हैं BMW ब्रांडिंग के साथ आपको मिल जाती है मास्टर सिलेंडर कैप जो कि मिलती है स्टेनलेस स्टील वाली आपको बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग के साथ। साथ में आपको मिलता है इसके अंदर हैजार्ड जो कि मैं लुक चेकआउट कराऊंगा इसके आगे से, देखिए ये इसका हैजार्ड, जितनी बार बटन ऑन ऑफ करूंगा ये पैटर्न्स हो जाएंगे आपके चेंज, ये देखो पैटर्न चेंज। तो ये हैजार्ड है सिमटेक ओरिजिनल, इसके आपको मिलता है पूरे 1 साल की गारंटी, 1 साल में कभी भी खराब होगा, कार्ड लाइए, हैंडपम्प चेंज करा लीजिए जब भी आप आएँ, अगर आपको प्रॉब्लम है किस तरीके तो सीधा लाए नहीं, सीधा वहाँ से निकलवा के भेज दें, हमारे पास कुरियर आपको रिटर्न कर देंगे फिर। और साथ में आपको दिखाऊंगा फॉग लैंप, ये इसकी फॉग लैंप जो कि लगा दी गई है इसके अंदर बिल्कुल लेटेस्ट लुकिंग के साथ, न्यू आउट डिज़ाइन के अंदर हार्नेस के साथ आपको मिलती है फॉग लैंप जो कि प्रॉपर क्लैंप के साथ फिट कर दी गई है। क्लैंप दिखा जरा, ये देखो ये होता है क्लैंप, हम सुराख नहीं करते हैं, ना ही जबरदस्ती लगती है, ये होती है प्रॉपर फिटिंग क्लैंप के साथ। और अब दिखाता हूँ आपको इसकी रोशनी, देखिए ये हो गया येलो रोशनी, देखो ये हो गया इसका ब्लिंकिंग में अलग पैटर्न, 4 से 5 पैटर्न इसके मिल जाते हैं आपको, अभी येलो ब्लिंक था, अभी होगा वाइट, अब वाइट पे ब्लिंक देख लो, ये भी इसके अंदर ही बहुत सारे पैटर्न्स हैं। साथ में मिलता है आपको येलो वाइट, ये देखिए इसमें ब्लिंकिंग मिल जाएगी आपको, तो ये अलग अलग पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर आपको देखने मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से जो कि मिलती है आपको HJG ओरिजिनल विद हार्नेस। विद हार्नेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी कोई सी बाइक हो ना, आपकी बाइक होती है पूरी तरीके से, कोई वायर कट नहीं होती, वैसे तो वायर कम वैसे भी नहीं करते, बट इसके अंदर हार्नेस से आपको डबल पिन रिले वगैरह लगी होती है ना, तो पूरी बैटरी होती है सेफ इसके अंदर, फुली सेफ्टी वाली चीज़ें इसके अंदर लगा दी गई विद हार्नेस। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर क्रैश गार्ड जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग के साथ, ब्लैक ब्यूटी के साथ ब्लैक मैच का लगा दिया गया है इसके अंदर क्रैश गार्ड जो कि मिलता है आपको ऊपर से नीचे तक वन पार्ट। नॉर्मल शॉप पर आप कहीं जाते हैं तो पता क्या होता है, आपको मिलता है 2 पार्ट के अंदर, एक आपका अलग नीचे का आपका अलग, बट हम अलग वाला सीन नहीं है, प्रॉपर हैवी फिटमेंट के साथ आपका बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग के साथ आपको लगा दिया है क्रैश गार्ड, प्रॉपर फिटमेंट है, देख सकते हो आप, कोई जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं, सिंपली इजी टू फिटेड है इसके अंदर। क्रैश गार्ड आपको देखने मिलेगा इधर भी सेम मिलता है आपको उस तरफ, देख सकते हैं, और जिसको चेक करने हो गाड़ी गिरा के चेक भी कर ले अगर इसकी वजह से कुछ होता तो ये आपको देखने मिल जाएगा इसके अंदर। और ज़रूरी नहीं कि ब्लैक इसलिए गाड़ी ब्लैक है तो इसलिए ब्लैक रहेगा, बाकी इसके अंदर ग्रे मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, और जल्दी ब्लू भी मैं इसके अवेलेबल करा दूंगा, जिसको ब्लू चाहिए वो भी जल्दी हमारा मिलने वाला है। और इसके बाद आपको दिखाऊंगा इसके अंदर ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, ये इसका ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना ब्रेक का जो पैंडल है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और इसलिए हमने इसमें लगा दिया है एक्सटेंडर, इससे आपका ब्रेक पैंडल थोड़ा सा बड़ा हो गया, काफ़ी लुक भी अच्छी हो गई इसकी, और इजीली आपका शूज़ कहीं भी फिसलेगा नहीं इसे लगाने के बाद। और अब मिलते हैं बैक साइड में, बैक साइड में देख सकते हैं आप, ये इसकी प्रॉपर फिटमेंट वाली सैडल स्टे, प्रॉपर फिटमेंट वाली सैडल स्टे है जो कि आप देख सकते हैं, लुक चेकआउट कर लो क्या जबरदस्त फिटिंग है इसकी, अल्टीमेट फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर ये सैडल स्टे। सैडल स्टे लगाने के बाद अब क्या है, देखो इसके अंदर पता क्या, जैसे मैंने स्टार्टिंग में फुल लोड होने वाली थी, बट कभी कभार क्या होता है, सोचा होता है कुछ लेकिन होता है कुछ, तो भैया ने कहा अभी मैं इसे नेक्स्ट टाइम लगवाऊंगा, कुरियर करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा समझ रहे हो ना बजट इशू हो जाता है कभी कभी, तो ये इसके पैनियर्स लगेंगे, इसमें लगेंगे इसके राजस्थान में ही,
जब भैया नेक्स्ट मंथ इसको वहीं पर ही मंगवा लेंगे, वहाँ पर होंगे इसके पैनल देख लो आप, GSK में लगा के भेजो, दे दूंगा भैया को जब भी दूंगा। और GSK आपको मिलता है इसके अंदर टॉप बॉक्स, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग के साथ, प्रीमियम कलर है इसका, GS 310 ब्रांडिंग मिल जाती है, लुक काफ़ी ज़बरदस्त आए थे इसे लगने के बाद। और स्पेस भी आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी मुझे, ये देखिए ये आपको मिलता है इसके अंदर स्पेस, ओपन कर दिया मैंने, स्पेस देखो, और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है सर, देख सकते हैं बॉस 45 लीटर है आपका। और ये मिलता है प्रॉपर आपको स्टील बॉडी के अंदर, देखो हाँ देखो ये मिलता है आपको स्टील बॉडी के अंदर, देखो स्टील बॉडी है जो मैंने लगाया है, नॉर्मली लोग एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं पर ये बहुत ही हैवी क्वालिटी का है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल मैंने किया है GS की ब्रांडिंग के साथ। और इसको आप चाहो तो निकाल भी सकते हो इजीली, ये होता है डिटैचेबल, ये लॉक खोलूँगा इसे निकालूंगा तो प्लेट लगी रही आपका निकल जाएगा, वैसे आप सभी को पता ही होता है। और ये एडवेंचर बाइक का ग्राफिक भी इसके एडवेंचर वाले इसके अंदर दिए गए हैं। और अब दिखाता हूँ आपको एक और बहुत बढ़िया सी चीज़, नीडफुल चीज़ जो होती है, ये देख सकते हैं ये इसका टायर, अगर जिससे डस्ट वगैरह आगे जाने से कंट्रोल होती है, साथ में पीछे की जो लुकिंग होती है वो भी काफ़ी एनहेंस हो जाती है। और बहुत ही हैवी क्वालिटी का देख सकते हैं आप, बहुत ही हैवी क्वालिटी का है, GS की ब्रांडिंग आपको इधर मिलेगी, GS की आपको इधर मिलेगी, तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगा देगा इसके अंदर टायर अगर जो कि GS का ओरिजिनल है, साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं ये इसका साइड स्टैंड एक्सटेंडर, ये साइड स्टैंड एक्सटेंडर ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है। इससे आप गाड़ी कहीं भी आप खड़ी करोगे ना तो एकदम स्टे खड़ी होगी, ना ही उबड़ खाबड़ हो, चाहे आपका चाहे मिट्टी हो चाहे आपका कुछ भी हो, रेत वेत कहीं भी आप इजीली ऐसे खड़े हो स्टे खड़ी हो जाएगी, ये अंदर घुसेगी नहीं उसके अंदर जो कि इसके अंदर लगाया है आपने ये एक्सटेंडर। और अब यहाँ पर आने के बाद ये सारी मॉडिफिकेशन दिखाने के बाद ये तो हो गई वीडियो कम्प्लीट, और अब इसके बाद आपको मिलाता हूँ इस बाइक के ऑनर से, जो कि सुबह भी मैंने मिलवाया था जब भैया आए थे तब की कंडीशन आपने देखी थी, मैं फ़ोटो आफ्टर बिफोर जरूर लगाऊंगा क्योंकि मैंने आज पहली बार सुबह शटर उठते ही पहले फ़ोटो खींची थी और वीडियो बनाई थी, तो आफ्टर बिफोर फोटो देख लेना पहले कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही है। और अब मिलाता हूँ भैया से कि उनको कैसा लगा, जो उनका एक्सपीरियंस है यहाँ पर, क्योंकि भैया सवेरे 8 बजे के आए हुए हैं, कम्प्लीट हो चुकी है, अब मिलाते हैं भैया से, आइए भैया। तो हेलो भैया, बढ़िया सर आप सुनाइए, सॉरी टाइम लग गया, बट ये बताइए वो काम तो आपको कैसा लगा काम और कहाँ से आया ये बताइए दोबारा से। अजमेर से आया हूँ राजस्थान से, और काम तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा हुआ है, मतलब लग नहीं रहा कि मैंने जितना पैसा लगाया उससे ज़्यादा ही लग रहा है कि ज़्यादा पैसा खर्च हो गया इस पर, मतलब एक्सपेंस कम किया है लेकिन लग रहा है कि ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया इसके अंदर, मतलब दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, मतलब पैसा वसूल, पैसा वसूल, जैसे कहते हैं ना थिएटर जाते हैं मूवी देखने से पहले ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर में तो यार बहुत बड़े मूवी हो गया यार देखते हैं अंदर जाकर, लेकिन अंदर जाकर देखते हैं तो बकवास निकलते बंद गया और पैसे बर्बाद हुए, तो पैसे बर्बाद नहीं हुए आपके, बिल्कुल पैसा वसूल इसमें भी, और मतलब भैया के नेचर में भी एक नंबर नेचर, खिलाया पिलाया दिन भर मस्त, टॉल बोर्ड और सेटिस्फाइड है बिल्कुल। अब जैसे आप 400-500 किलोमीटर चल के आ गया, ऐसे कोई भाई बंधु 1000-2000-3000 किलोमीटर चल के आना तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उसको, बिल्कुल आओ भैया अपने घर ले, घर पर रुकाते हैं आराम से तो थैंक यू भैया आने के लिए, और जब मैं अजमेर जाऊँगा ना तो भैया से वहाँ पर मिलूँगा जरूर, क्योंकि यार हमारे व्यूवर्स और चाहने वाले अगर ऑल इंडिया होते हैं तो अगर हम कभी जाएंगे तो मिलना हमारा भी लाजमी है, क्योंकि भैया घुमाएंगे ना, हमें तो पता नहीं वहाँ के बारे में, अजमेर शरीफ दरबार बहुत सुनी है पर गया नहीं हो कभी भी, तो कभी गया तो मिलेंगे जरूर भैया, और जल्दी आऊँगा इसी साल आऊँगा ये भी प्रॉमिस है। तो सब कुछ हो गया, भैया का रिव्यू हमने ले लिया, जब आए थे तो भी मिलवा दिया था और अब जा रहे हैं तो भी मिलवा रहा हूँ, ऑल ओवर भैया सेटिस्फाइड है। और आपको भी अगर कोई काम कराना हो अपनी ऐसी किसी भी बाइक पर, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ओनली BMW हो, आपकी कोई सी बाइक हो कोई सी भी स्कूटी हो, आपको आना है सिर्फ राजू भाई की शॉप को जो कि मिलती है आपको दिल्ली करोड़ नाई वलन के अंदर, लोकेशन मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में दिखाई दी थी और अब से आपको एवरीडे यही लोकेशन मिलेगी, मैं यहीं से लोकेशन दिखाऊंगा शॉप से, जो कि मिलती है हनुमान जी की मूर्ति एक उधर और एक हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी आपको मेरे बोर्ड पर, तो उसका जरूर ध्यान दें आप लोग, तो ठीक है। अब वीडियो चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते हैं राजू भाई SKD को, मिलते हैं फिर किसान नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।